في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق الله العظيم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم बुजुर्गान मोहतरम नौजवानों ने इस्लाम और दीनी भाइयों जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों को आमतन और अहले ईमान को मुसलमानों को खास कतन जिंदगी गुजारने का जो तरीका जो सलीका और शरीयत के मुताबिक एक ईमान वाले के लिए एक मुसलमान के लिए कैसी जिंदगी गुजारनी है और कौन से तरीके पर चलकर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में भी फला और आखिरत में भी फला। ईमान वाले का ज्यादा ताल्लुक या आखिरत के साथ है। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने वही आखिरत बनाने के लिए दुनिया में इंसान को भेजा और उस रब्बे करीम का करोड़ों एहसान है कि दुनिया में अरबों खरबों इंसानों में से हमें दौलत ईमान अता फरमाया। ईमान तो हमें अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमा दिया लेकिन फिर इस ईमान के कुछ तकाजे होते हैं। ये ईमान हमसे क्या चाहता है,
ये दीन हमें किन चीज़ों का हमसे मुतालबा करता है। जो हदीस शरीफ तिर्मिज़ी शरीफ की ये हदीस है, रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। फरमाते हैं कि सच्चा पक्का और कामिलुल ईमान मुसलमान वो हैं कि जिसकी जबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये सच्चे ईमान वाले की पहचान बताई कि जिसकी जबान से भी दूसरा मुसलमान महफूज और उसके हाथों की ईज़ा से भी दूसरा मुसलमान महफूज। और मशाई के यहाँ सबसे ज्यादा जिन चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाता है वो यही चीज है कि हमारी जात से दूसरे इंसानों को कैसे फायदा पहुंचे और हमारी जात से हमारे आमाल से हमारे अफाल से दूसरे इंसान ईजाओं से कैसे महफूज रहे। इसलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपनी खानका में आने वालों से, पूछते थे कि भाई किस नीयत से आए हो, क्या इरादा लेकर आए हो। कोई कहता कि हजरत मुझे सूफी बनना है, कोई कहता था कि हजरत मुझे आबिद बनना है इबादत गुजार बन जाओ, कोई कहता था कि मुझे जाहिद बनना है। तो हजरत बड़े प्यार से फरमाते थे कि भाई सूफी बनना हो तो फुला खानका में चले जाओ, अगर आबिद बनना हो तो फुला शेख के पास चले जाओ, जाहिद बनना है तो फुला जगह चले जाओ। इसके लिए बहुत सारी खानका हैं और अगर इंसान बनना है तो यहाँ मेरे पास आओ। हमारे यहाँ तो इंसान बनाया जाता है, ये मुसलमान बनना, नमाजी बनना, आबिद बनना, जाहिद बनना, सूफी बनना, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है और बहुत अच्छी सिफात है ये, लेकिन पहले इंसान तो बन जाओ, इंसान बनने के बाद ये सारी चीजें आती हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ इंसान बनाया जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जंगल में तीन तरह के जानवर होते हैं। फरमाते हैं कि जानवरों की एक किस्म यह है कि जिससे इंसानों को नफा पहुंचता है, फायदा पहुंचता है, कभी उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और वो जानवर है जैसे गाय, भैंस, बकरियां, ये इंसानों को फायदा पहुंचाती, नफा पहुंचाती, उसके दूध से आप फायदा उठाएंगे। और जब ये दूध देना बंद कर दे तो जाहिर है कि उसे जबा करके उसका गोश्त खा लिया जाता है। वो आपको राहत पहुंचाने के लिए, हमें और आपको नफा और फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते। तो फरमाते हैं कि ये पहली किस्म के जानवर कि जिनकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचता है, नुकसान नहीं पहुंचता। और दूसरी किस्म जानवरों की कि जिनकी जात से सिर्फ नुकसान ही पहुंचता है सामने वालों को, कभी नफा और फायदा नहीं मिलता। इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो जानवर है सांप, बिच्छू, दरिंदे, कि जब ये इंसान से मिलते हैं तो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, डंख लगाते हैं, चीरफाड़ करते हैं, ये जानवरों की दूसरी किस्म। और फरमाते हैं कि जानवरों की तीसरी एक किस्म यह है कि जो इंसानों को न कोई फायदा पहुंचाते हैं और न नुकसान पहुंचाते हैं, वो जानवर है जंगल में रहने वाली लोमड़ी है, गीदड़ है, उससे इंसानों को कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान को मुखातब करके, फरमाते हैं इंसान
अगर तू पहली किस्म के जानवरों में दाखिल हो जाए, उनके अवसाफ अपने अंदर ले ले, ये तेरी जात से सामने वाले को नफा पहुंचे, कोई नुकसान न पहुंचे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जानवर इंसानों को नफा फायदा पहुंचाते, नुकसान नहीं, पहली किस्म के जानवर को उसमें से बन जाते। और फरमाए कि अगर तुम उस दर्जे के जानवरों जैसा नहीं बन सकता, तो नीचे उतर कर तीसरे नंबर वाले जानवरों जैसा बन जा, कि तेरी जात से जब किसी को कोई नफा नहीं पहुंचता है, तो नुकसान भी न पहुंचे। और फरमाए अगर तू इन दोनों किस्म के जानवरों से हटकर एकदम नीचे उतरेगा, तो फिर तेरी मिसाल तीसरे किस्म के जानवरों जैसी होगी, जहां किसी को मिलेगा डंख लगाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा। या तो पहली किस्म में दाखिल हो जा, या दूसरी किस्म में दाखिल हो जा, तीसरी किस्म में से अपने आप को मत बना। लेकिन आज हमारे मुआशरे पर हम नजर डालते हैं, तो ज्यादातर लोग इस तीसरी किस्म में दाखिल है। इसको हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदी। सच्चा पक्का और कामिलुल ईमान मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना हो, और जिसके हाथ से भी किसी को तकलीफ ना हो। जबान से तकलीफ, ये कोई समझाने की जरूरत नहीं। हमने अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज निकाल दिया, सामने वाले के दिल के ऊपर ऐसा असर हुआ कि उसके दिल के हमने टुकड़े कर दिए। ऐसी कोई कड़वी कसेली बात सुना दी, ऐसा ताना लगा दिया कि सामने वाले के दिल पर उसका दर्द हुआ। तो फरमाते हैं कि ये ईमान वाले की शान नहीं कि उसकी जबान से किसी को नुकसान पहुंचे। और हमारा तो ये हाल है कि हमारी जबान से हमारे घर वाले महफूज नहीं, तो दूसरे की क्या बात करें। घर में जाएंगे तो बीवी को कड़वी कसेली सुनाई, बच्चों को डांट डपट पिलाई। शरीयत ने उसकी भी एक हद रखी है। हम जब घर में जाते हैं अपनी बीवी के साथ, जाहिर है कि जब दो बर्तन साथ होते हैं तो टकराव तो होता है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि हम लोग उस पर रौब झाड़े, अपनी जबान से जो भी ओल फोल और जो भी आए बकवास करें। बात बात में बीवी को झड़पना, उसको ताने देना, और बाज मर्तबा तो हाथ तक उठा देते हैं और कहते हैं एक ही बात, जब कोई भी मामला होता है तो अपने घर चली जा। अरे भाई, वो सबको छोड़ के तेरे पास आई है, और हम उसी को कह रहे हैं कि अब तेरी जरूरत नहीं, तो तेरे घर चली जा। आप अंदाजा लगाएं कि हमने ये दो जुमले अपनी जबान से निकाले, बीवी के दिल पर उसका कितना असर होगा, वो अंदर से कितनी गमगीन होगी कि मैं सबको कुर्बान करके छोड़ के जब इसके पास आए, इसके भरोसे यहां आई, और ये भी मुझे ये कह रहा है कि यहां से चली जाए, हमने उसका दिल तोड़ दिया। अपनी औलाद को कोई नाजीबा नामुनासिब बात कह दी, बजाय ये कि हमारी औलाद हमारी फरमा बरदार बने, वो नाफरमानी पर उतर आती है। कि जब भी घर में जाओ तो बाप की कड़वी कसेली सुनो, उसके ताने सुनो, उसकी झिड़क सुनो, बच्चे नाफरमान बन जाते। घर का माहौल जितना शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से बनता है, ऐसी डांट डपट और कड़वी कसेली से नहीं बनेगा। आप अपने घर में मोहब्बत बांटिए, बच्चों में प्यार बांटिए, अपनी बीवी के साथ एकदम शफ़क़त का, नरमी का मामला कीजिए, तो वही बीवी आपकी ताबेदार बन जाएगी, वही औलाद आपकी फरमा बरदार हो जाएगी। और फिर जरा हम घर से बाहर का माहौल देखें, हमारे पड़ोसी, हमारे मुआशरे, महल्ले वाले, ये भी हमारी जबान से और हमारी जबान से पहुंचने वाली ईजा और तकलीफ से महफूज नहीं है। इसलिए फरमाए कि ये अकाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक, ये जो पांच बुनियादी चीजें हैं,
सबसे पहले हमें अपने अकाइद को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया, हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें। दावत और तबलीग में यही सिखाया जाता है, सबसे पहले जोर दिया जाता है ईमान। ईमान का मतलब यही है कि हमारे अकाइद ठीक हो, ढंग के हो। और ईमानियत में सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई करने धरने वाली जात नहीं सिवाय अल्लाह के। वो सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो कादिर मुतलक है, हम सब मोहताज हैं। कायनात का कोई जर्रा कोई पत्ता उसके हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता। इक्तदार और ये मनसब ये कुर्सी उसके हुक्म के बगैर किसी को नहीं मिलती, ये हमारा यकीन। ऐसा नहीं कि फुला ने ऐसा किया तो वो आ गए और इसने ऐसा किया तो ये हो गया। हमारा यकीन तो ये है कि हर चीज के करने वाली जात सिर्फ एक अकेला अल्लाह। और फिर अकाइद के बाद ये हमारी इबादतें हैं। जिसके अकाइद सही होंगे उसकी इबादतें भी सही। ये दो चीजों के बाद फिर हमारे मुआमलात, आपस के लेन देन, आपस के ताल्लुक। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई चीज हमें अमानत के तौर पर दी और जब वो मांगने के लिए आता है तो कहता है कि मैं तुझे पहचानता नहीं, या फिर कहता है कि तूने मुझे कब दिया, तेरे पास क्या प्रूफ है। हमारी मुआशरत कि हम संसार में मुआशरे में किस तरह दूसरों के साथ मिलकर रहे। और इसी के साथ साथ अखलाक, ईमान वाले के अखलाक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बता रहा था कि हमारी जबान से भी किसी को कोई नुकसान और तकलीफ ना हो और हमारे हाथ से भी किसी को तकलीफ ना हो। इसकी मोटी मोटी मिसाल देखिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। मिसाल के तौर पर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने की ताकीद आई। बाज फुकाहा ने इसको सुन्नत मुअक्कदा कहा, बाज ने इसको वाजिब कहा कि जमात के साथ नमाज ये वाजिब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मेरा जी ये चाहता है कि मस्जिद में किसी को नमाज के लिए खड़ा करूं, यानी अपनी जगह, और मैं बाहर जाकर उन लोगों के घरों में देखूं जो बगैर किसी उज्र के मस्जिद में जमात की नमाज छोड़ते हैं, मैं जाकर उनके घरों को जला दूं। इससे मालूम हुआ कि जमात की कितनी ताकीद है। एक तरफ तो ये जमात से नमाज की ताकीद और दूसरी तरफ शरीयत का मिजाज देखिए कि एक इंसान को दूसरे इंसान से तकलीफ न पहुंचे, उसकी कितनी ज्यादा रियायत। अगर किसी आदमी को कोई मर्ज है, कोई बीमारी है, अगर वो बीमार इंसान मस्जिद में आता है और उससे दूसरे नमाजियों को घिन पिल पहुंचती है, उससे ईजा पहुंचती है, उसकी उस बीमारी से दूसरे इंसानों को बदबू मिलती है, तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि तुझे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अब तेरे लिए घर में नमाज पढ़ना जरूरी हो गया। अगर मस्जिद में जबरदस्ती जाकर तो नमाज पढ़ेगा और तेरी बीमारी से, तेरी जात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंची तो अब ये गुनाह का काम हो गया, क्योंकि हमारी जात से सामने वाले को तकलीफ पहुंच रही है। शरीयत कहती है कि दूसरे इंसानों को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए जब तक ये बीमारी ये तकलीफ दूर ना हो अपने घर में रहकर नमाज पढ़ो। हजरे अस्वद हमने अल्लाह ताला सबको उसकी जियारत नसीब फरमाए, उसका बोसा देना हर ईमान वाले की दिली चाहत होती है। कब मैं हरम मक्का में पहुंचू, अल्लाह के दरबार की जियारत नसीब हो जाए, और कब मैं हजरे अस्वद का बोसा दूं। हर ईमान वाला चाहता है, उसका दिली जज्बा होता है। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, अगर आसानी से हजरे अस्वद को बोसा देना नसीब हो गया तो हमारी खुशकिस्मती। और हम देख रहे हैं कि वहां भीड़ भाड़ है, वहां इज्तिहाम है। अगर ऐसे मौके पर हम अंदर घुसेंगे
तो हमारी जात से दूसरों को तकलीफ होगी, दूसरों को ईजा होगी। तो शरीयत ने कहा कि हजर अस्वद का बोसा देना अब तेरे लिए जायज नहीं, दूर से उसका इस्तेलाम कर दे। देखिए वो एक नेकी का काम था, लेकिन दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंच रही है तो मना किया शरीयत ने, अब वहां मत जाओ। बजाय ये कि इबादत तुम्हारे नामे आमाल में गुना लिखा जाएगा दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का। अब एक आदमी तिलावत में मशगूल है, अब तिलावत कुरान कर रहा है और हम लोग ऐसे वक्त पहुंच कर उसको जाकर सलाम करते हैं, अब उसे तिलावत के अंदर खलल वाक़ होगा। शरीयत कहती है कि ऐसे मौके पर सलाम मत करो। अगर कोई आदमी खाना खाने बैठा है, अब वो कहीं इबादत तो नहीं कर रहा है, हम लोग उसे जाकर सलाम कह करते हैं, अब सामने वाले आदमी को खाने में उसे चूंकि खाना रोक कर जवाब देना पड़ेगा, तो फिर शरीयत कहती है कि ऐसे मौके पर भी सलाम मत करो। अगर कोई वुजू कर रहा है हम जाकर सलाम ठोक देते हैं, ये भी अच्छी चीज़ नहीं। कोई जिक्र अजगार में मशगूल है उस वक्त भी सलाम नहीं, हालांकि सलाम कितनी बड़ी इबादत। और इसी तरह अगर चंद आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी उनसे कोई बातचीत गुफ्तगु कर रहा है, सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हैं, उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसी मजलिसों में जाकर भी सलाम मत कीजिए। लोगों की तवज्जो उनकी बात से हटकर आपकी तरफ हो जाएगी, ये एक मोटी मोटी चीज़ है। वरना सलाम कितनी बड़ी इबादत। एक मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान से मिलता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, ये दुआ का जुमला कि अल्लाह ताला आप पर सलामती नाजिल करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह की आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो और आप पर बरकतें नाजिल हो, अगर ये दुआ कबूल हो गई तो सामने वाले का भी बेड़ा पार और हमारा भी पार। लेकिन फिर बताएं कि उसके भी आदाब होते हैं, और मुसलमान का मतलब ही यही है कि सलामती। मुसलमान जहां भी जाता है वो खुद भी सलामत रहता है और सामने वाले को भी सलामत रखता है। तो कुरान करीम की जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहो। बात जो कहेंगे बिल्कुल पॉइंट पे आकर, ऐसे नहीं कि बात को घेर कर और लपेट कर कहा जाए कि सामने वाला उसका मफहूम और मकसद समझ न सके। बात बिल्कुल सीधी कहो, सामने वाले के मिजाज के मुताबिक कहो कि वो आसानी से समझ जाए। हमारी ये आदत होती है कि किसी के पास जब जाते हैं अपना मकसद लेकर तो पहले बात को इधर उधर से घेरते हैं, लपेटते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई सीधी सीधी बात कर दो कि मैं इस मकसद से आपके पास आया हूँ। तो अल्लाह ने ईमान वाले को बात करने का तरीका भी सिखाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा। ईमान वालों बिल्कुल सीधी सीधी बात कहो, बिल्कुल सच्ची बात कहो, हमारी बातों में कोई बनावट ना हो, बिल्कुल सादगी के साथ सच्चाई के साथ। आज की इस मजलिस में दो सबक हमें मिले, नंबर एक कि हमारी जबान से आइंदा किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, नंबर दो हमारी जात से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। देखिए हमारे अमाल कैसे हैं, मोटी मोटी मिसाल। मस्जिद के अंदर हम लोग आए, बाहर हमने चप्पल निकाली, अब एक आदमी ने पहले से एक जगह अपनी चप्पल या जूती रखी हुई है, अगर हमने उसको वहां से हटाकर अपनी रख दी, थोड़ा सा भी उसको साइड किया, दूसरा आदमी जब नमाज से फारिग होकर जाएगा उस जगह के ऊपर उसकी चप्पल नहीं है, उसे तकलीफ होगी, परेशानी होगी, वो तलाश करेगा, ये गुनाह कबीरा में दाखिल है। आए हम मस्जिद में नमाज के लिए, लेकिन हमारे अमल से हमने दूसरे आदमी को तकलीफ में डाल दिया। वुजू कर रहे हैं, वुजू के बाद जो तौलिया है उसको इस्तेमाल करने के बाद उसी जगह रखा जाए, हमने वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वुजू करने के बाद लोग उसको तलाश कर रहे, भाई तौलिया कहाँ है, मुंह किससे पूछे, अब उसे तलाश करने में तकलीफ हुई, हमारे इस अमल से ये गुनाह कबीरा में दाखिल है।
मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं, पार्किंग का निजाम है, हमने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और हमारे इस अमल से आने जाने वाले को तकलीफ हुई। एक तरफ तो हम यहाँ इबादत के लिए आए और दूसरी तरफ हमने अपने आमाल से और हमारी इस हरकत से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुँची, ये गुनाह है कबीरा। ऐसी मोटी मोटी चीज़ों से अपने आप को भी बचाए और दूसरे मुसलमानों को, दूसरे इंसानों को इन चीज़ों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें इन बातों के समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ये मस्जिद माशाल्लाह अभी नई नई बनी है, एक डेढ़ महीना करीब हुई है, इफ्तिताह भी हुई। अल्लाह ताला इसको हमेशा आबाद रखे और अल्लाह ताला इस मस्जिद के बनाने वालों को, इसमें जानी माली वक्त कुर्बानी देने वालों को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मस्जिद की असल आबादी ये नमाजियों से होती है, हमारी मस्जिदें इसी तरह आबाद रहें। अल्लाह करे कि यहाँ एक नूरानी माहौल बन जाए और यहाँ से अल्लाह ताला दीन के चर्चे बुलंद फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Mm-hmm.